आज हम लोग सीखेंगे कि जो हमारी 5 पिन सेलेक्टर स्विच होती है उसमें जो पिनें बनी होती हैं वो किस किस चीज़ की पिनें होती हैं, उसमें कौन सी पिन लो की है, कौन सी हाई की है, कौन सी कंप्रेसर की है, किसमें सप्लाई को इन किया जाएगा, किससे आउट किया जाएगा, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 पिन सेलेक्टर स्विच, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो हमारी सेलेक्टर स्विच होती है ये क्या काम करती है। देखिए जो हमारी सेलेक्टर स्विच होती है ये विंडो एसी में लगती है, जिस भी विंडो एसी में पीसीबी नहीं लगी रहेगी वहाँ पे ये सेलेक्टर स्विच आपको मिलेगी, या 5 पिन उसमें लगी रहेगी या 6 पिन सेलेक्टर स्विच लगी रहेगी। ये दो स्विच आती हैं, एक 5 पिन आता है, एक 6 पिन सेलेक्टर स्विच आती है। तो आज हम लोग 5 पिन के बारे में जानेंगे और दूसरे वाले वीडियो हम लोग सीखेंगे 6 पिन के बारे में कि इसमें कौन कौन सी पिन होती है। तो ये काम क्या करता है दोस्तों, यही पूरे विंडो एसी को कंट्रोल करती है, मतलब जो भी हमारी विंडो एसी रहेगी जो मैनुअल रहेगी, जो कि रिमोट से कंट्रोल नहीं रहेगा, उसमें पीसीबी नहीं लगी रहेगी, तो उसमें यही आपका स्विच लगा रहेगा और इसी स्विच से हम लोग उसको हाई करते हैं, लो करते हैं, मीडियम करते हैं, उसी मतलब इसी स्विच से हम उसकी विंडो एसी को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी पिन होती है ये जानना जरूरी है, अगर ये नहीं जानेंगे तो इसका कनेक्शन नहीं कर पाएंगे, इधर उधर कर देंगे तो विंडो एसी सही तरीके से ऑपरेट नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें देखिए 5 पिनें होती हैं, क्योंकि ये 5 पिन सेलेक्टर स्विच है इसलिए इसमें 5 पिनें होती हैं, दो ऊपर होती हैं और 3 पिनें नीचे होती हैं। और इसमें जो पिनों का नाम है वो ये है, एन एक होता है, एल और एक होती है 3x2 नंबर पिन, एक होता है 4 नंबर और एक नंबर। ये तो इसकी कोडिंग हो गई, लेकिन अगर ये हम लोग नहीं जानेंगे कि ये कोडिंग किसकी किसकी है, कौन सी हाई है, कौन लो है, कौन कंप्रेसर का है, किसमें सप्लाई इन किया जाएगा, किससे आउट किया जाएगा, तो हम लोग कंसर्न कर ही नहीं पाएंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, जो एन वाली पॉइंट होती है ना, यहाँ पर सप्लाई इन होती है, क्या होता है, फेज का तार यहाँ पर इन होता है, क्लियर, यहाँ पर क्या होगा, इन होगा। और जो L वाला पॉइंट है यहाँ से फेस के तार आउट होता है और स्विंग मोटर की स्विच में ले जा करके दे दिया जाता है। तो N वाली किसकी हो गई, इन की, और जो L वाली है वो हो गई आउट की, ये क्लियर। उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे यहाँ पे है 3x2 नंबर, तो 3x2 नंबर ये किसका है, कंप्रेशर का, किसका है, कंप्रेशर का, मतलब ये है कि यहाँ से पिन को उठा करके लेके जाया जाएगा कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट पे या फिर रनिंग वाले पॉइंट पे दे दिया जाएगा और उसके एक पॉइंट पे दे दिया जाएगा न्यूट्रल। तो यहाँ से क्या होगा, ये हमारा जो कंप्रेसर होगा यहाँ से कंट्रोल होगा। अब ये जो दूसरा है, अगला वाला जो यहाँ पे पिन है वो किसका है, यहाँ पे देखिए 4 नंबर पिन होता है लो का, मतलब फैन मोटर का लो का होता है। देखिए इसमें सेकेंड स्पीड का फैन मोटर लगाया जाएगा, जहाँ पे 5 पिन सेलेक्टर स्विच लगी रहेगी, तो सेकेंड स्पीड में क्या होता है कि फैन हाई चलता है और लो चलता है, उसमें ये क्वालिटी होती है कि उसको हम हाई भी कर सकते हैं और लो भी कर सकते हैं। तो जब इसको हम लोग लो पे करेंगे तो ये 4 नंबर जब सप्लाई उस पे जाएगी तो मतलब वो लो वाले पॉइंट पे जाएगी, तो हमारा फैन लो चलेगा। तो मतलब कि 4 नंबर पिन हमारी जाएगी कहाँ, फैन मोटर के लो वाले वायर पे। तो ये क्लियर हो गया। और अगला है 1 नंबर पिन, तो 1 नंबर पिन जो ये हमारी है हाई की, मतलब यहाँ पे हमारा जो फैन मोटर का हाई वाला वायर रहेगा वो आकर के यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा, जैसे ये सप्लाई इस वाले पॉइंट से देगा जिससे कि हमारा फैन मोटर हाई चलेगा। तो मतलब ये सब मिला जुला के ये है कि जो एन वाली पॉइंट रहेगी ये इन की रहेगी, एल वाली आउट की रहेगी, 3x2 नंबर कंप्रेशर की रहेगी, और 4 नंबर पिन ये होता है लो का, और 1 नंबर पिन ये हाई की होती है। तो ये जो चीज़ है ये आपको क्लियरली पता चल गया होगा 100% तरीके से कि इसमें कौन सी पिन हाई की होती है, कौन सी लो की होती है, कौन सी कंप्रेशर की होती है, और किस वाले पिन पे सप्लाई को इन किया जाता है और किस वाले पिन से सप्लाई को आउट किया जाता है। ये 100% तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये तो 5 पिन हो गई, और 6 पिन सेलेक्टर स्विच के बारे में मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊँगा कि 6 पिन सेलेक्टर स्विच में कौन कौन सी पिन किसकी किसकी होती है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।